बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की दूसरी बैठक से पहले आम आदमी पार्टी को केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करने पर हामी भर दी है। कांग्रेस के ऐलान के बाद विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी के जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपने विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिलने से केजरीवाल की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये अध्यादेश कानून के रूप में राज्यसभा में पेश होगा तब क्या केजरीवाल इसे रोकने में सफल हो पाएंगे? क्या आपके लिए कांग्रेस का समर्थन काफी होगा? राज्यसभा में नंबर गेम में बीजेपी को आप हरा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। तो आइए आपको राज्यसभा का पूरा गणित समझाते हैं कि इस बिल को रोकने के लिए आपको कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी और बीजेपी के पास कितने नंबर हैं। राज्यसभा की बात करें तो 245 में से अभी सदस्यों की संख्या 237 है। इनमें से 5 मनोनीत सदस्य हैं। अध्यादेश पर अगर सभी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए कुल 117 वोटों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में बीजेपी के 93 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 106 है। इसके अलावा 5 मनोनीत सदस्य जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि वे सत्ता पक्ष के समर्थन में ही वोट डालते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के पास वोटों की कुल संख्या 111 हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसे कांग्रेस, टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियों के साथ ही शिवसेना, उद्धव गुट, बीआरएस, सीपीआईएम, सपा, जेडीयू, आरजेडी जैसे दलों से समर्थन मिल चुका है। आपको समर्थन करने वाली पार्टियों के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो ये 100 के करीब पहुंच रही है। इनमें कांग्रेस के 31 सदस्य हैं, जबकि टीएमसी के 12 और आपके 10 सदस्य शामिल हैं। अभी के आंकड़े देखें तो मोदी सरकार के लिए राह बहुत कठिन नहीं है, बल्कि केजरीवाल के लिए जरूर बहुत मुश्किल भरा सफर है। हालांकि बीजेडी ने फिलहाल इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ नहीं की है, जिसके सदस्यों की संख्या 9 है, जो बिल को रोकने और पास कराने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि बीजेडी के सदस्यों पर सब कुछ निर्भर करेगा।